विशेषज्ञ बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 2 फरवरी दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीते दिन पेश हुए बजट में ये प्रोडक्ट्स हुए सस्ते, तो इन प्रोडक्ट्स के दामों में हुआ इजाफा। फर्जी निकला इंटरमीडिएट परीक्षा में मैथ का वायरल प्रश्न पत्र, जाँच में जुटी पुलिस। बिहार में अब जमीन की खरीद बिक्री होगी महंगी। बिहार में मौसम का यूटर्न, तेज हवा के साथ बढ़ी कनकनी। भारत ने T20 सीरीज पर 2-1 से किया कब्जा। गिल के तूफान के बाद गेंदबाजों ने बरपाया कहर। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एसएससी ने 11,409 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार के कुल मिलाकर 11,409 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस पद के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से 10वीं पास होना अनिवार्य है। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तारीख 17 फरवरी 2023 तक है। इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार https://ssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इन पदों के लिए लिखित परीक्षा अप्रैल 2023 में आयोजित की जाएगी। वहीं इसमें आवेदन करने के लिए एज लिमिट 18 से 25 साल निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी पाने के लिए आप एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। बीते दिन पेश हुए बजट में ये प्रोडक्ट्स हुए सस्ते, तो इन प्रोडक्ट्स के दामों में हुआ इजाफा। बीते दिन 11 बजे देश का 75वां बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया। बता दें कि बजट में इस बार कई प्रोडक्ट्स के दामों में वृद्धि की गई है, तो कई प्रोडक्ट्स के दामों में गिरावट भी की गई है। बता दें कि जिन प्रोडक्ट्स को सस्ता किया गया है उनमें पिकन नट्स, एक्वाटिक फिश की मैन्युफैक्चरिंग के लिए फिश मील, मोबाइल फोन, खिलौना, मोबाइल कैमरा, लैश, इलेक्ट्रिक व्हीकल, साइकिल, आर्टिफिशियल डायमंड ज्वेलरी, बायोगैस, लिथियम सेल्स, एलईडी टीवी, क्रूड ग्लिसरी, हिट कॉयल, क्लीनिंग एजेंट, बायोगैस से जुड़ी चीजें शामिल है। वहीं जिन प्रोडक्ट्स को महंगा किया गया है उनमें खास तरह के सिगरेट, पीतल, छाते, विदेशी किचन चिमनी, सोना, प्लैटिनम, कपड़े, विदेशी खिलौने, इम्पोर्टेड चांदी के सामान, कंपाउंडेड रबर शामिल है। मालूम हो कि वर्तमान में जीएसटी के टैक्स स्लैब में 4 दरें 5, 12, 18 और 28% पर है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे बावन कोठी तिरपन द्वार के बारे में। नवादा जिले का एक ऐतिहासिक स्थल बावन कोठी तिरपन द्वार है, जो कि एक राजमहल है। नवादा जिले के पकड़ी बड़ौवा प्रखंड के बुधौली पंचायत के बुधौली गांव में स्थित यह राजमहल काफी प्राचीन स्थान है। बता दें कि शिक्षा और धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में यह जिले में अपनी खास पहचान रखता है। इस मठ के अंदर अरबों रुपयों की बहुमूल्य अष्ट धातु की प्रतिमाएं रखी हुई है। इनमें भगवान विष्णु, सीता, राम, शंकर आदि की प्रतिमाएं हैं। इस मठ में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, अब्दुल गफ्फार खान सरीखे बड़े महापुरुषों का आगमन हुआ है। डॉक्टर सूर्य प्रकाश पुरी के समय में मगध विश्वविद्यालय के लिए 250 एकड़ जमीन दान में दी गई। इसी जमीन पर आज भी विश्वविद्यालय संचालित है। यह पर्यटन स्थल इतिहास में बहुत महत्व रखता है। यहाँ आकर आप इस राजमहल में घूम सकते हैं। सरकारी स्कूल के बच्चों को अप्रैल माह तक मिलेंगी किताबें। स्कूली बच्चों को अप्रैल महीने तक किताबें दी जा सके, इसलिए राज्य सरकार तैयारी में जुट गई है। शिक्षा विभाग क्लास 1 से 8वीं तक के 2.25 करोड़ बच्चों को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करवाने की तैयारी में लग गया है। बता दें कि 1 से 8वीं तक के बच्चों को किताब सरकार पूरे 4 वर्ष बाद उपलब्ध करवाने जा रही है। बीते 4 वर्षों तक स्कूली बच्चों को किताब खरीदने के लिए सरकार द्वारा पैसे दिए जा रहे थे, लेकिन बार बार इस मामले में गड़बड़ी रिपोर्ट पाए गए, इसलिए अब विभाग द्वारा पैसे देने की जगह पर फिर से किताबें ही देने का फैसला लिया गया है। बिहार में अब जमीन की खरीद बिक्री होगी महंगी। बिहार राज्य के सभी जिला मूल्यांकन समितियों के द्वारा जमीन के मिनिमम वैल्यू रेट यानी कि MVR में बदलाव करने को लेकर मद निषेध एवं निबंधन विभाग को एक प्रस्ताव भेजा गया है, जिसकी समीक्षा विभागीय अधिकारी अभी जुटे हैं। वहीं विभाग के द्वारा समीक्षा किए जाने के बाद इस प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा और उसके बाद सरकार के द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद ही इस संशोधित MVR को लागू किया जाएगा। बता दें कि इस संशोधित MVR को 1 अप्रैल 2023 तक लागू किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि MVR जमीन का वह न्यूनतम मूल्य होता है जिसके आधार पर खरीद बिक्री पर रजिस्ट्री शुल्क वसूल की जाती है। मालूम हो कि आखिरी बार MVR में बढ़ोतरी वर्ष 2016 में हुई थी, जिसके बाद अब इसमें बदलाव करने का प्रस्ताव दिया गया है।
आज ही निकला इंटरमीडिएट परीक्षा में मैथ का वायरल प्रश्न पत्र, जांच में जुटी पुलिस। बिहार में इंटर के परीक्षा की शुरुआत बीते दिन से हो गई है। कई जिलों में परीक्षा के शुरू होते ही पेपर के लीक होने की सूचना मिली थी। मैथ का प्रश्न पत्र कई व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल भी हो रहा था। इसकी सूचना मिलते ही प्रशासन अलर्ट हो गया। जैसे ही परीक्षा समाप्त हुई वैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल प्रश्न पत्र की जाँच की गई। जाँच में यह पता चला कि जमुई में वायरल हो रहा यह प्रश्न पत्र फर्जी है। ऐसा बताया जा रहा है कि अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई भी करेगी। इस मामले को लेकर नवादा में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और पुलिस उनसे पूछताछ भी कर रही है। बीते दिन समाधान यात्रा के तहत सीएम नीतीश पहुंचे सुपौल। बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा के तहत सुपौल जिले के मलहनी ग्राम पंचायत में पहुंचे, जहां उन्होंने हर घर नल का जल एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना आदि का जायजा लिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभुक छात्रों को सर्टिफिकेट प्रदान किया। इसके अलावा उन्होंने जीविका दीदियों द्वारा कृषि आधारित उद्यम के तहत उत्पादित की जा रही एवं निर्मित वस्तुओं से संबंधित लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कहा कि हमारी यही इच्छा है कि देश की हर थाली में बिहार का एक व्यंजन हो। इसके साथ ही निरीक्षण के क्रम में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। वहीं मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यम योजना के अंतर्गत वित्त प्रदत्त इकाई सोफी आटा सत्तू एवं बेसन उद्योग का मुख्यमंत्री ने फीता काट कर उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय झा, वित्त मंत्री विजय चौधरी, विजेंद्र यादव एवं कई आला अधिकारी मौजूद रहे। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे रोहिणी भाटे के बारे में। रोहिणी भाटे भारत की सबसे वरिष्ठ कथक नृत्य प्रतिपादिका थी और भारतीय शास्त्रीय नृत्य कलाकार, शिक्षक, लेखक, शोधकर्ता के रूप में विकसित हुए। रोहिणी ने जयपुर और लखनऊ घरानों से कथक सीखा। उन्होंने नृत्य रचनाओं का एक बड़ा कोष बनाया, जहां उन्होंने अभिनय के लिए एक विश्लेषणात्मक और नवीन दृष्टिकोण लागू किया। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अपने ज्ञान के कारण उन्होंने अक्सर अपनी नृत्य रचनाओं के लिए संगीत तैयार किया। समीक्षक सुनील खाड़ी के अनुसार विजय मेहता द्वारा निर्देशित शकुंतला के लिए उनकी कोरियोग्राफी उल्लेखनीय है। अपने करियर के दौरान इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें 1977 में राज्य सरकार का महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार, 1979 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1990 में महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, 2001 में कालिदास सम्मान, 2006 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और 2007 में संगीत नाटक अकादमी अकादमी रत्न पुरस्कार नई दिल्ली से सम्मानित किया गया। बिहार के प्रवासी मजदूरों को अब मिलेंगे इतने दुर्घटना अनुदान राशि। बिहार के वैसे असंगठित क्षेत्र के कामगार जो देश विदेश में काम करते हैं, उनके लिए बिहार सरकार के द्वारा बिहार राज्य प्रवासी मजदूर अनुदान योजना शुरू की गई थी। बता दें कि इस अनुदान योजना के तहत अब मजदूरों के दुर्घटना के कारण मृत्यु व आंशिक अपंगता एवं अस्थायी अपंगता होने पर अनुदान के रूप में दी जाने वाली 1 लाख की राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया जाएगा। बता दें कि लाभुकों को यह राशि मई महीने के बाद से दी जाएगी। इसके लिए विभाग की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। मालूम हो कि इस अनुदान राशि को पाने के लिए लाभुकों को ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना होगा, जिसके बाद अनुदान की राशि लाभुकों के खाते में सरकार की ओर से 21 दिनों के भीतर दे दी जाएगी। अब इतने रुपए तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं। बीते दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया गया, जिसमें टैक्स स्लैब में बदलाव भी किया गया है। मालूम हो कि टैक्स स्लैब में पिछले वर्ष कोई बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन इस बार इसमें बदलाव करते हुए लोगों को राहत देने की कोशिश की गई है। बता दें कि अब 7 लाख के इनकम तक लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले इसकी सीमा 5 लाख रुपए तक की थी। वहीं 0 से 3 लाख तक पर भी कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा 3 से 6 लाख रुपए तक की आय पर 5%, 6 से 9 लाख रुपए तक की आय पर 19% और 9 से 12 लाख तक की आय पर 15% तक का टैक्स सरकार को देना होगा। मालूम हो कि वैसे व्यक्ति जो 9 लाख रुपए कमाते हैं, उन्हें टैक्स के रूप में केवल 45,000 रुपए देने होंगे। समाज कल्याण विभाग में जुलाई तक होगी बंपर भर्ती। थानों में महिला के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण किया जा सके, परामर्श और प्राथमिकी दर्ज करवाने में महिलाओं और किशोरियों को सहयोग दिया जा सके, इसके लिए जल्द ही समाज कल्याण विभाग में बंपर बहाली होने वाली है। बता दें कि समाज कल्याण विभाग के मुताबिक जुलाई तक बिहार के 210 सर्कल थानों में महिला परामर्शियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए पटना जिला के 23 थानों में महिला कोषांग की स्थापना भी कर दी गई है, जहां 1 परामर्शी और 2 वरीय परामर्शी की नियुक्ति की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि महिला परामर्शियों की नियुक्ति करने को लेकर अब तक आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और अब अधिकारियों को सभी आवेदनों की स्क्रूटनी करने में लगाया गया है।
बिहार के 25 जिलों में ADTO की पोस्टिंग। परिवहन विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर जानकारी दी गई है कि बिहार के 25 जिलों में परिवहन सेवा के कुल 29 अपर जिला परिवहन पदाधिकारी का पदस्थापित किया गया है। बता दें कि इस लिस्ट में जिन 29 अपर जिला परिवहन पदाधिकारी के नाम शामिल है उनमें सलील प्रशांत, स्नेहा अग्रवाल, प्रतीक कुमार, विवेकानंद मिश्रा, जिशान अहमद, दिव्य प्रकाश, करिश्मा सिंह, शारदा नंदन राजू, आलोक राज सिंह, ऋषभ आनंद, सौरभ कुमार, बेबी कुमारी, रुचि प्रिय, राजू कुमार, गौरव लाल, निशा राज, चांदनी श्रीकृष्ण, साक्षी प्रिय, पिंकू कुमार, पल्लवी कुमारी, यशी गुप्ता, अमर ज्योति, जितेंद्र कुमार, अमित कुमार, वसुंधरा प्रियदर्शनी, सोनम कुमारी, अजय कुमार हांसदा और आकाश का नाम शामिल है। निगरानी विभाग ने ग्राम कचहरी सचिव को रिश्वत लेते पकड़ा। निगरानी विभाग की टीम के द्वारा बीते दिन बुधवार को बिहार के आरा में भोजपुर जिला के जगदीशपुर से ग्राम कचहरी के सचिव मंतोष कुमार को घूस लेते रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद विभाग की टीम के द्वारा उसे गिरफ्तार कर पटना विशेष न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए लाया गया है। बता दें कि निगरानी विभाग की टीम को शिकायत मिली थी कि म्यूटेशन करवाने को लेकर ग्राम कचहरी के सचिव मंतोष कुमार के द्वारा 10,000 की घूस मांगी जा रही है, जिसके बाद विभाग के द्वारा इस मामले का सत्यापन किया गया और मंतोष कुमार की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत निर्माण विभाग, विशेष निगरानी विभाग और आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ अभियान चलाकर गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को मिला लाखों का पैकेज। बीते 10 दिनों में बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों को प्लेसमेंट मिला है। बता दें कि 10 दिनों में कंपनियों ने 253 छात्रों को प्लेस किया है, जिनमें से अब तक कुल 105 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्हें जॉब ऑफर दिए जा चुके हैं। वहीं बचे 148 उम्मीदवारों को 7 दिनों के अंदर जॉब ऑफर दिए जाएंगे। बता दें कि इन सभी प्लेस किए गए छात्रों की सालाना सैलरी 5.28 लाख से 1.72 लाख रुपए तक की है। जिन कंपनियों के द्वारा इन छात्रों को प्लेस किया गया है उनमें HCL टेक्नोलॉजीज, धुत ट्रांसमिशन लिमिटेड, याकोहामा, हिताची, स्टेनो पावर सिस्टम, हाईटेक नेक्स्ट, हाइक एजुकेशन, एवियट्रॉन एयरोस्पेस और इनमोवेडो टेक्नोलॉजीज शामिल है। छात्रों को प्लेसमेंट मिलने पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह ने सभी छात्रों को बधाई दी है। बिहार में मौसम का यू टर्न, तेज हवा के साथ बढ़ी कनकनी। बिहार की राजधानी पटना सहित प्रदेश के कई जिलों में मौसम लगातार बदल रहा है। वातावरण में तेज पछुआ हवा का प्रभाव है, कनकनी के साथ अचानक ठंड बढ़ गई है। मौसम में हुए इस बदलाव को ठंड के सेकेंड वेव से जोड़कर देखा जा रहा है। कई इलाकों में मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग ने बताया है कि राज्य के उत्तरी इलाकों में कोहरे का कहर अब भी जारी रहेगा। IMD और पटना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से मिले ताजा अपडेट के मुताबिक बिहार में तेज पछुआ हवा का प्रभाव अगले 2 दिनों तक जारी रहेगा, जिसकी 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। हालांकि मौसम विभाग के द्वारा अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि 3 या 4 फरवरी से तापमान में वृद्धि हो सकती है, इसके बाद मौसम सामान्य हो सकता है। पटना हाईकोर्ट में इस कारण से सभी DM और जिला जज हुए उपस्थित। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस अहसाउद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ के द्वारा राज्य की निचली अदालतों में वकीलों के बैठने और कार्य करने की व्यवस्था एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के मामले पर वरीय अधिवक्ता रामाकांत शर्मा की लोकहित याचिका पर सुनवाई की गई। बता दें कि इस दौरान राज्य के सभी जिलों के DM और जिला जज ऑनलाइन तरीके से उपस्थित रहे। उन्होंने कोर्ट को भवनों के लिए भूमि अधिग्रहण और निर्माण के संबंध में प्रगति रिपोर्ट पेश करते हुए कहा गया कि निर्माण कार्य अच्छी तरीके से चल रही है, लेकिन कहीं कहीं कठिनाइयां भी आ रही है, जिसके बाद कोर्ट के द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि इस संबंध से जुड़ी पूरी जानकारी अगली सुनवाई में पेश की जाए। बता दें कि इस मामले पर अगली सुनवाई 7 फरवरी 2023 को की जाएगी। बजट पर सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम की प्रतिक्रिया आई सामने। बीते दिन बुधवार को बजट पेश किया गया, जिसके बाद इस बजट को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अपनी पहली प्रतिक्रिया दी गई। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हम हर बार बजट देखते हैं, लेकिन इस बार अपनी समाधान यात्रा की वजह से नहीं देख पाए हैं। जब हम यहां से लौटेंगे तो एक एक चीज को देखेंगे। उन्होंने कहा कि चाहे जिसकी भी सरकार हो, हम हर बार बजट सुनते और देखते हैं। पिछले साल भी पूरा बजट सुना था, हम लोगों को तो जितना कहना था मीटिंग में जाकर कह चुके हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री यादव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 2014 में केंद्र की भाजपा सरकार ने यह कहा था कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी करेंगे, सबको आवास देंगे और 80 करोड़ लोगों को रोजगार देने का सपना भी दिखाया था, लेकिन इन्होंने कुछ भी पूरा नहीं किया है। बीजेपी को 100% सांसद देने वाले बिहार को भाजपाइयों ने इस बजट में रेलवे को क्या मिला है यह भी पता नहीं चल सका है।
डिप्टी सीएम के बजट वाले बयान पर विजय सिन्हा हमलावर। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा बजट के ऊपर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है वह हर तबके के लिए फायदेमंद है। हम लोगों को जैसी उम्मीद थी और जिसकी जरूरत थी वैसी ही बजट पेश की गई है। तेजस्वी यादव खुद पैसे कमाने और मलाई खाने वाले विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस बजट में बिहारियों को कितना फायदा मिला है या नहीं मिला है। वह सिर्फ 5 विभाग रखकर यह देख रहे हैं कि किस विभाग में कितना माल आया है और हमारा कितना कमीशन बनता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश को डायरेक्ट फायदा देने वाला बजट लेकर आए हैं। डिप्टी सीएम ने बीजेपी और आरएसएस पर बोला हमला। बीते दिन यानी कि बुधवार को जगदेव प्रसाद की जयंती पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग हमारे बच्चे को हिंदी और संस्कृत में पढ़ने का ज्ञान देते हैं वे खुद अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू गौ और राम पर ज्ञान देने वालों से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आरएसएस और बीजेपी के द्वारा हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा बदनाम किया गया है। ये सभी समाजवादी और क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहते हैं। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि कुछ महीने में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सामने आ जाएगी और सरकार ने जो 10 लाख रोजगार देने का वादा किया है उस वादे को भी जरूर पूरा करेगी। भारत ने T20 सीरीज पर 2-1 से किया कब्जा। गिल के तूफान के बाद गेंदबाजों ने बरपाया कहर। हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को तीसरे T20 मुकाबले में 168 रनों से हराकर T20 सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। मैच के हीरो रहे ओपनर शुभमन गिल, जिन्होंने 63 गेंदों में नाबाद 126 रनों की पारी खेली। गिल के तूफानी शतक के बदौलत भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 234 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेहमान टीम कहीं भी सहज नजर नहीं आई। न्यूजीलैंड के टॉप 4 बल्लेबाज तो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। वहीं गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या ने कीवी टीम की कमर तोड़ दी। पूरी कीवी टीम 12.1 ओवर में सिर्फ 66 रनों पर ढेर हो गई। भारत ने 168 रनों से मुकाबले को जीतकर T20 सीरीज शानदार अंदाज में अपने नाम कर लिया। शुभमन गिल को उनके शानदार शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। भारत में गोवा, दमन और दीव के पास पुर्तगाल व तुर्की के बीच 1509 में युद्ध हुआ। देश में प्रशासनिक सुधारों के लिए 2 फरवरी साल 1844 में पिटस नियामक अधिनियम को लागू किया गया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 2 फरवरी साल 1949 को की गई। भारत ने 1952 में मद्रास में पहला टेस्ट क्रिकेट जीता। अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन 1953 में किया गया। पाकिस्तान ने कश्मीर समझौते के लिए 1967 में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किया। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2 फरवरी साल 2006 से 200 जिलों में अधिसूचित किया गया था। भारत की एक प्रख्यात गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी और एक सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमारी अमृत कौर का जन्म 1889 में हुआ। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार आंदोलन के संगठक मुटुरी सत्यनारायण का जन्म 1902 में हुआ। आज ही के दिन को वर्ल्ड वेटलैंड डे और वन अग्नि सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। बालापुर में आज हम बात करेंगे MSME उद्यम के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे MSME उद्यम के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि eudyogaadhar.org वेबसाइट द्वारा MSME उद्यम के लिए पंजीकरण करवाने का दावा किया जा रहा है और प्रमाण पत्र प्रिंट करने के लिए 2700 रुपए की मांग की जा रही है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह वेबसाइट फर्जी है। उद्यम पंजीकरण के लिए आधिकारिक वेबसाइट udyamregistration.gov.in है। दुनिया के टॉप 10 अमीरों की सूची में अडानी को अंबानी ने पछाड़ा। बीते दिन दुनिया के 10 टॉप अमीरों की सूची में मुकेश अंबानी ने गौतम अडानी को पीछे छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि ऐसा गौतम अडानी के शेयरों में आई गिरावट के कारण हुआ है। इस गिरावट से अडानी को नेटवर्थ कम होकर 83.9 अरब डॉलर हो गई है। वहीं अगर मुकेश अंबानी की बात करें तो अब अंबानी का नेटवर्थ 84.3 अरब डॉलर हो गया और इसी के साथ अडानी को अंबानी ने पीछे छोड़ दिया है। बता दें कि अडानी फोर्ब्स की लिस्ट में 10वें नंबर पर पहुंच गए हैं जबकि इस लिस्ट में अंबानी 9वें स्थान पर है। वहीं इससे पहले अडानी को पिछले 24 घंटे के अंदर 10 अरब डॉलर का नुकसान भी हुआ था और इसी के साथ अडानी 24 घंटे में सबसे ज्यादा नुकसान में पहुंचने वाले अरबपतियों की लिस्ट में भी शामिल हो गए हैं। एक
1000 करोड़ का आंकड़ा छूने के लिए पठान के सामने आई मुश्किल। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की फिल्म पठान अपने रिलीज होने के पहले दिन से ही ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। मालूम हो कि फिल्म ने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 55 करोड़ रुपए की कमाई की थी और अब तक वर्ल्ड वाइड में 600 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है। वहीं अब इस फिल्म से और इजाफा कमाया जा सके इसके लिए थिएटर्स में फिल्म पठान का टिकट सस्ता कर दिया गया है, जिसके बाद फिल्म के सामने यह दिक्कत आ रही है कि टिकट का दाम कम होने के बाद फिल्म 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर भी पाएगी या नहीं। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म के टिकट के दाम को 25% तक घटा दिया गया है। इसके साथ ही यह पहली फिल्म बन गई है जो रिलीज होने के 5 दिन बाद ही टिकट के दाम को कम कर दी गई है। व्हाट्सएप पर अब खुलकर लिखिए अपनी बात। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप में जल्द ग्रुप्स में लोगों को कुछ नया देखने को मिल सकता है। दरअसल कंपनी ग्रुप्स में सब्जेक्ट और डिस्क्रिप्शन के वर्ड अकाउंट को बढ़ाने पर काम कर रही है, यानी अब ग्रुप एडमिन या मेंबर्स बेहतर तरीके से ग्रुप का डिस्क्रिप्शन और सब्जेक्ट लिख पाएंगे। नए अपडेट के बाद यूजर्स ग्रुप के सब्जेक्ट को 25 कैरेक्टर के बजाय 100 कैरेक्टर तक लिख पाएंगे, जबकि ग्रुप का डिस्क्रिप्शन 512 से बढ़कर कंपनी 2048 कैरेक्टर करने वाली है। कंपनी के इस कदम से यूजर्स ग्रुप डिस्क्रिप्शन में महत्वपूर्ण जानकारियां ऐड कर पाएंगे और बेहतर तरीके से चीजों को लिख पाएंगे। फिलहाल इस फीचर पर काम जारी है जो आने वाले समय में यूजर्स के लिए लाइव किया जाएगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि रंजन कुशवाहा, अजीमा फिरदौस, रूपेश कुमार, कुश कुमार यादव, मृत्युंजय कुमार, विपिन वर्मा, उमेश ऋषिदेव, रंजीत मिश्रा, पंकज कुमार दास, श्वेता रॉय, सदुल्लाह पलवी, कुमारी संजना, पंकज कुमार, शंकर मुखिया, कविता कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बीते दिन पेश की गई बजट 2023-24 से आप कितने संतुष्ट हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो